हेलो फ्रेंड्स, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं उमेश। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं घटना चक्र बुक की। इसके सेट 40 हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में। जो भी एस्पिरेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ उन सब वीडियो को भी जरूर वॉच करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले अपना ये सेट, सेट नंबर 41। एक जरूरी सूचना और, जो बच्चे एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं अप्रैल में, तो उनके लिए ये घटना चक्र बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। अगर आप हो सके तो परचेज़ कर लीजिए। अगर परचेज़ नहीं कर सकते, मार्केट अवेलेबल नहीं है आपके आसपास, तो इस वीडियो के थ्रू भी आप ये सारे क्वेश्चंस लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में कई बार पूछे गए हैं। ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ओनली एसएससी एग्ज़ाम में। एसएससी का, चाहे वो एमटीएस का एग्ज़ाम हो, एलडीसी का एग्ज़ाम हो, या फिर सीजर का एग्ज़ाम क्यों ना हो। देखिए, एसएससी क्या करता है, एसएससी अपना कोई भी पेपर नया डिज़ाइन करता है या नया पेपर बनाता है, तो वो प्रीवियस क्वेश्चंस में से ही उठा करके अपने नए पेपर में पेस्ट करता है। मैक्सिमम यही होता है। तो इसलिए आप मैक्सिमम जीएस के लिए, अगर आपको कुछ पोर्शन स्ट्रांग करना है, जीएस अगर आपको लर्न करनी है, तो प्रीवियस ईयर का पेपर जो भी है उन सबको लर्न कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बगान 1889 में ओपन हुआ था वो है। अब अपने नोट्स बनाना ना भूलिएगा। आप सोचते हैं कि वीडियो को वन टाइम वॉच करके हमें सारा लर्न हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वन टाइम वीडियो वॉच करने से आपको सारी लाइन याद करना बहुत ही टफ कार्य है। तो अपने नोट्स बनाना मत भूलिए, अपने नोट्स साइड बाई साइड जरूर बनाइएगा। इसमें आपको पूरी पूरी लाइन नहीं लिखनी है, आपको सिंपल लिखना है भारत सबसे पुराना फुटबॉल क्लब इक्वल मोहन बगान। ईयर ना लिखें तो भी चलेगा। नेक्स्ट है, मैन रहिन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच का विभाजन रेखा है। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला वाणिज्यिक बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, जिसको बोलते हैं ओबीसी। इसी के साथ मैं एक लाइन और ऐड करूंगा, सबसे पहले जो डेबिट कार्ड इंडिया में इशू करा गया था, डेबिट कार्ड, वो किस बैंक ने करा था। इसका सही जवाब है पीएनबी। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पूछ लेता है। दोस्तों, जो भी मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी, लगेगा कि हाँ आपको बता देनी चाहिए, जो इस बुक में या इस सेट में नहीं आ रही है, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और वो ज़रूर नोट करनी है आपने, उसमें कोई लापरवाही नहीं करनी। देखिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं, चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज और अशोका ब्रजभाषा में लिखा था। चंद्रवर दाई एक बुक का नाम है, एक कृति है, जो किसने, पृथ्वीराज रासो ने ब्रज भाषा में लिखी थी। अजंता के चित्र टेम्पेरा स्टाइल में बनाई जाती है। कर्क और मकर रेखा के मध्य कौन सा अक्षांश है, 47 डिग्री अंश। टमाटर का रंग लाइकोपिन के कारण लाल होता है। हम जो टमाटर खाते हैं ना, टमाटर देखते हैं कि रेड कलर का होता है, वो रेड कलर के होने का रीजन क्या है। उसका रीज़न ये होता है कि उसमें लाइकोपीन होता है, ध्यान रखना। देखिए, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है लाइकोपीन, तो आप याद रखिए, टमाटर बनाइए, टमाटर के अंदर लिखिए लाइकोपीन, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, हाँ टमाटर का लिंक क्या था, लाइकोपीन। जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो आपको रिवाइज करते समय बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप एक एक लाइन लिख के नोट्स बना रहे हैं, कर तो वो भी ठीक रहे हैं, बट जब आप रिवाइज करेंगे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, तो तब आपके लिए बहुत ही टफ काम हो जाएगा वो, कि इतना बड़े नोट्स में कैसे याद करूं। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को आप 3 से 4 बार वॉच करिएगा, ठीक है, कम से कम 3 से 4 बार। अगर आप वॉच करते हैं, अपने नोट्स से टैली करते हैं एक एक लाइन को, और नोट्स बनाते समय हमेशा बोल बोल के लिखना। जो भी लाइन लिखेंगे, जैसे आपने लिखा टमाटर का रंग, बोलिए टमाटर का रंग, फिर लिखिए लाइकोपिन लाइकोपिन, इस तरह से आप याद करिए। और वीडियो को कई बार पॉज करिए, जब भी लिख रहे हो तो पॉज करिए, फिर बोलिए, फिर प्ले करिए। देखिए, क्रिकेट मैचों का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण 1966 में दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। 1 KB इक्वल में कितना होता है, 1024 बाइट, और 1
टीबी लिखिए, 1 TB होता है 1024 GB। एग्ज़ाम में ये कंप्यूटर्स का जो यूनिट होती है कितना के भी किसके इक्वल होता है वो सब भी पूछ लेता है। मधुबनी कला का संबंध बिहार से है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। कला की गंधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष 4 महीने की आयु में कालानौर में हुआ था। देखिए, अकबर के जो राज्याभिषेक हुआ था काफ़ी कम उम्र में हुआ था। देखिए, 13 वर्ष की उम्र में किसी भी इंसान को, बल्कि ये 13 वर्ष का एक्चुअली बच्चा होता है, इस बच्चे को युद्ध की कोई समझ नहीं थी। तो इसलिए जो उनके सेनापति थे तो उन्होंने ये सारा कार्यभार संभाला था। बट ये जैसे ही बड़े हुए युद्ध में जाने लगे तो उन्होंने सारी नीति सीख ली। तो एग्जाम में आता है कि 13 वर्ष की आयु की उम्र में किसका राज्याभिषेक हुआ था, तो आपको याद रखना है अकबर का। कहाँ पे हुआ था? कालानौर में। प्रथम विश्व के देश का तात्पर्य है विकसित देश। देखिए, कुछ देश होते हैं विकसित और कुछ होते हैं विकासशील। तो हमारा देश जो आता है वो विकासशील की श्रेणी में आता है, मतलब अभी विकसित नहीं है, अभी यह विकास कर रहा है। और विकसित देश की श्रेणी में कौन सा देश आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पूरा क्या है? विकसित है। देखिए, यहाँ पे आता है राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन पिंगेली वैंकेया ने की थी। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस, स्किप मत करना एसएससी वालों, एमटीएस के स्टूडेंट जितने भी हैं इसको स्किप मत करना। और राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई होती है उसका रेशियो कितना होता है? 3:2, 3:2। और जो उसका चक्र होता है बीच में, जो सर्कल बना होता है हमारे फ्लैग में, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, उस चक्र में स्कोप कितने होते हैं, तिल्लियाँ कितनी होती हैं, वो भी लिखिए, 24। इसी के साथ जो हमारा चक्र बना होता है, चक्र का कलर क्या होता है, लिखिए डार्क ब्लू। बक्सर युद्ध के उपरांत 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता एनर्जी मेंडर यानी कि यूनान थे। इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लैटराइट है। शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 117 दिन के बराबर होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों ने की थी। अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था, मतलब अशोक का जो स्तंभ था उसको दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। डोल ड्रम बेल्ट मोस्ट एमपी डोल ड्रम बेल्ट विषुवत रेखा के निकट है। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम दामोदर घाटी निगम है। माउंट एवरेस्ट नाम भारत का एक महासर्वेक्षण सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर पड़ा। सेट नंबर 43। देखिए, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सारे ही क्वेश्चन जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी में आए हुए हैं। और एमटीएस का जो भी एग्जाम है मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो भी स्टूडेंट इसको ध्यान से वॉच करें और 3 से 4 बार इस वीडियो को वॉच करें, तभी आपको वन टाइम ये सारे क्वेश्चंस याद हो पाएंगे। देखिए, एक एक सेट में कम से कम आप देखते हैं तो कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक एक सेट में कम से कम 15 क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैं इसके 10 सेट आपको करवाऊंगा तो टोटल कितने सेट हो गए आपके पास में? 150 क्वेश्चंस का आपके पास कलेक्शन हो गया एक वीडियो में। जिसने भी मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, अगर वो चाहते हैं कि जीएस में उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएँ, तो वो सारे नोट्स भी, वो सारे वीडियो भी आप वॉच जरूर करिएगा। और आपका अदर कोई भी सेक्शंस वीक है जैसे मैथ और इंग्लिश, उसके भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड करे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।
देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश ने की थी। प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से संबंधित है। कोलंबिया दुर्घटना 1 फरवरी 2003 को हुई थी। देखिए TRAI, ट्राई की फुल फॉर्म कई बार पूछता है। देखो ये क्या होता है, पहले तो सिंपल आप समझ लीजिए। देखो ट्राई जो होता है, जब वो मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में सिम जो भी यूज़ करते हैं और उस सिम में जो भी चीज़ें अप्लाई होती हैं कि इतने रुपए का कूपन होगा, SMS का प्राइस ये रहेगा, या कॉल रेट इतना रहेगा, या फिर सेम नेटवर्क पर कॉलिंग फ्री रहेगी, इनकमिंग कॉल फ्री रहेगी, नेटवर्क से संबंधित, मोबाइल के नेटवर्क से संबंधित जो भी राइट होता है, जो भी डिसीजन होता है, वो सब क्या होता है, TRAI के थ्रू ही होता है। ये क्या करती है, ये नेटवर्क पे पूरा अपना कंट्रोल रखती है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसका, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NPA की फुल फॉर्म क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेस। ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। मगध की राजधानी गिरिब्रज में थी। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा था, सातवां अभिलेख। इसी के साथ साथ आप याद करिए, देखिए अशोक ने एक वॉर लड़ा था जिसको बोलते हैं कलिंग युद्ध। कलिंग कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। ठीक है, इस युद्ध का जो भी वर्णन होता है, युद्ध से संबंधित उसने कुछ बातें लिखी थी, वो कौन से अभिलेख में लिखी थी, वो लिखी है 13वें अभिलेख में। एग्जाम में ये भी पूछता है। देखिए अशोक कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, बहुत बड़ा राजा था। हृदय परिवर्तन उसका कैसे हुआ, क्या हुआ, मैंने कुछ वीडियो में आपको बता रखा है, तो इसलिए अशोक को आप स्किप नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें होती है स्टेट, कुछ जीके होती है जो आप स्किप कर ही नहीं सकते, जैसे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है। 1857, 1857 का रिवोल्ट, उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। तो आप ये कुछ चीज़ें आप स्ट्रांग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था। होसल वंश की राजधानी द्वार समुद्रम थी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। अमृतसर शहर को 1577 में गुरु रामदास ने बसाया था। रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन 1 जुलाई 1991 को किया गया था। IRDP का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का पूर्ण रूप, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेट नंबर 44, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना करी थी। किसने आगरा शहर बसाया था, सिकंदर लोधी ने। कब बसाया था, 1504 में। बहमन वंश का अंतिम शासक कली मुल्ला था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। द लास्ट जजमेंट माइकेल एंजेला की कृति है। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1789 में लागू करा था। हमारे जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए गए हैं रूस से, ये आप ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था। जिसके जन्मदाता मुसोलिनी थे, जिसका जन्म 1883 में इटली में ही हुआ था। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। काली मिट्टी में कौन सी उपज होती है, कपास की, ये भी आप लिख लीजिएगा। अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन था। 20 अप्रैल 1954, 20 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। मुद्रा स्फीति का कारण क्या है, उत्पादन में कमी और मुद्रा पूर्ति में बढ़त। सेट नंबर 45।
आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने करी थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1886 ईस्वी में की थी। देखो बच्चों, क्या होता है कि कुछ ना जो हमारे सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो हुए थे उसको भी लेके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। आप किसी बुक से उसे देख लीजिएगा। इसकी भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, शॉर्टकट ट्रिक मैंने अपलोड करी है वीडियो में, तो आप उसको भी देख लीजिएगा अगर टाइम मिले तो। ठीक है, भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में की थी। इलाहाबाद की संधि बक्सर युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में हुई थी। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो था। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र काकरगोड में है। भारी जल की खोज हैरोल्ड क्लेटोन यूरे ने की थी। शाहजहाँ की माता का नाम जगत गोसाई था। इल्तुतमिश ने एकता सेना का गठन किया था। हुमायूं की माता का नाम माहम सुल्ताना था। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में है। यूनानी लेखकों का अभित्रघात बिंदुसार था। मुगलों की सेना व्यवस्था मनसबदारी पद्धति पर आधारित है। 1889 में सती प्रथा पर प्रतिबंध रोक जो लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव वी एस रामा देवी थी। सर्वाधिक भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। सेट नंबर 46। सरकारी आयोग का गठन 1983 में संसद ने किया था, जिसका संबंध केंद्र राज्य मामले से था। भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र लेह मतलब कश्मीर है। न्यू मोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तुंग तथा भद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा पश्चिमी तटीय मैदान में सर्वाधिक वर्षा होती है। फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। विटामिन डी किस में होता है? विटामिन डी अगर हमको प्राप्त करना है तो हमको सूर्य की रोशनी में बैठना पड़ता है। मतलब सूर्य क्या होता है? मैक्सिमम विटामिन डी हमारे शरीर को देता है। पारा सिनेबार से निकाला जाता है। मंगलम सिंचाई योजना केरल से है। केरल से एक बात इम्पॉर्टेंट और कि मैक्सिमम पढ़ी लिखी जनसंख्या जो है केरल में पाई जाती है। मतलब केरल स्टेट की कम से कम 98% से भी ज़्यादा पीपल एजुकेटेड है। भारत की पहली महिला कर्णम महेश्वरी है, जिसने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र ने राष्ट्रपिता के नाम कहकर संबोधित करा। और महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। हजारनामा मंदिर हम्पी मतलब कर्नाटक में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला या फिलीपींस में स्थित है। ओलंपिक झंडा 1913 में तैयार करा गया था। प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच शताब्दी स्टेडियम मॉन्टेविडियो में खेला गया था। बम के दर्शन के लेखक भगवती चरण बोहरा थे। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में खेला गया था। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें और, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। और इसका नाम अब परिवर्तित कर दिया गया है, इसका नया नाम रखा गया नीति आयोग। अब वो एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग का प्रारंभ क्या था, तो इसलिए याद रखना नीति आयोग का जो ओल्ड नेम था वो था योजना आयोग। सेट नंबर 47। सेट नंबर 47 प्रसार भारती अधिनियम को 15 सितंबर 1997 में नोबेल पुरस्कार मिला था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। टिटकाका झील दक्षिण अमेरिका में है। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल 1028 है संख्या। और
अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कर्नल इलीन एम कालिन है। मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। डेंगू ज्वर ईडीज मच्छर से फैलता है। पिक्चर प्लांट का पौधा कीट खाता है। डीएनए की इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। 1901 में रक्त समूह की खोज किसने करी थी? लैंड स्टीनर ने। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस नोट करिएगा। क्वासी और कर और मरासमस की बीमारी किस प्रोटीन की कमी के कारण होती है? पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। देखिए जो क्वासीओस्कर है ना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो बीमारी है किस प्रोटीन की कमी के कारण हुई थी। ठीक है, मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ, आप लिखिए। देखिए विटामिन बी से होता है बेरी बेरी रोग, विटामिन सी से होता है स्कर्वी। ठीक है, और एक विटामिन है ए या डी, उससे जो होता है क्वासीओस्कर रोग होता है। आप जरा चेक करके बताइए किसकी कमी से ये वाला रोग होता है। ये आपके लिए मैंने होमवर्क आपको दे दिया। ठीक है, रिकेट्स भी होता है एक रोग, वो भी विटामिन ए या डी किसी एक में से होता है। वो आप देखिएगा और कमेंट बॉक्स में सबको राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, मैंने आपको छोटा सा हिंट बी का और सी का तो बता दिया, ए और डी का पेंडिंग है आपके लिए। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? अनंत होता है। एक वायुमंडलीय दाब 10^5 N·m² के बराबर होता है। पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक जे एन वैन टेंसले है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई डॉप्सन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशापूर्ण देवी है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। ओलंपिक में भारत का सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? एम्स्टर्डम ने। भारत में प्रथम मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजी फेरा इंडिका। मोस्ट एमपी। डीएनए की खोज किसने करी थी? वॉटसन और क्रिक ने। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बार पूछे जाने की संभावना है इसकी। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, हमारा जो फ्रिज ठंडा होता है उसमें कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। सैयद वंश की स्थापना खिरिज खाने के लिए गई थी। और मास्क की शिलालेख आंध्र प्रदेश में स्थित है। सेट नंबर 49। सुखना झील चंडीगढ़ में अवस्थित है। अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिक निधि से है। भारत में स्पीड पोस्ट की स्थापना 1986 में हुई थी। और लाहौर का किला अकबर ने बनाया था। सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का भारत में प्रयोग अकबर ने करा था। विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर डी के कर्वे ने की थी। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार मई 1952 में हुआ था। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा फैलती है या पहुंचती है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महाल नोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होता है। चंद्र प्रभा अभयारण्य वाराणसी में है। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। भारत में कितने पिन जोन हैं? 8 पिन जोन हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिका की सीनेट है। इंसुलिन में लोहा का अंश होता है। ठीक है,
ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है या बढ़ता है, एग्जाम में ये पूछता है, आपको याद रखना है घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घटेगा। धूप चश्मे के लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग करा जाता है मोस्ट टाइम। सेट नंबर 50, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, कम से कम 3 से 4 बार और प्ले करिएगा। मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूँ आपको, ठीक है, अगेन आपको याद दिला रहा हूँ। वन टाइम वॉच करके आप इसको क्लोज करते हैं तो याद तो आपको रहेगा, बट कुछ दिन बाद उसमें डेप्रिसिएशन बहुत स्पीड से लगेगा आपकी याद करी हुई चीज़ों में। ऐसा देखा गया है, ऐसा माना गया है, ऐसा साइंटिफिक प्रूफ है। अगर आप रिवाइज नहीं करते तो 20-20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन हमारी जो पड़ा है उस पर लगता स्टार्ट हो जाता है। जिसने साइंस पढ़ा होगा और जो लोग साइकोल का कोर्स कर रहे होंगे उनको अच्छे से पता होगा इसके बारे में। वैसे तो प्लीज़ इस वीडियो को 3 से 4 बार वॉच करिएगा और नोट्स से अपने टैली करिएगा और बोल बोल के लिखिएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बोल बोल के लिखना, ठीक है। बढ़ते हैं सेट नंबर 50। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में है। पार्कलन समिति में कुल 30 सदस्य हैं। समुद्र के जितनी गहराई तक सूर्य किरणें पहुंचती हैं उसे यूफोटिक कहते हैं। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात भारत और चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 में लगा था। याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा था, आपको ईयर देगा, तो ईयर आपको याद रखना है 1962, तो 1962 को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। वान झील तुर्की में स्थित है। क्वार्ट्ज घड़ियां दाब दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती हैं। कजाकिस्तान की राजधानी अलमाती है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र भूमध्य सागर है। लोकसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में यशवंत राव चौहान को मान्यता मिली। मादक पेय पदार्थों में इथाइल एल्कोहल होता है। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट में हुआ था। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन है। गुप्त वंश के शासनकाल में भारत पर हूणों का पहला आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। भारत का बगीचा उपनाम है बंगलोर का। मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम है। दोस्तों इसी के साथ सेट 50 कंप्लीट होता है। इस सेट में हमने टोटल 150 क्वेश्चंस कंप्लीट करे। वन लाइनर जी के कम से कम 150 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करे होंगे। और इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और 3 से 4 बार इसे आप वॉच करिएगा। और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए उन्नति कंपटीशन पूरी क्लासेस की ओर से आपको बहुत बड़े वाला ऑल द बेस्ट। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करना ना भूलिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो को शेयर मैक्सिमम करिएगा। इससे क्या होगा, इससे आप किसी और की हेल्प कर रहे हैं। अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आप अपने किसी फ्रेंड की हेल्प कर रहे हैं। तो इस हेल्प के सिलसिले को यहीं पॉज मत करना, वीडियो क्लोज करके ख़त्म मत करना, इस हेल्प के सिलसिले को बढ़ते रहने दो। शेयर करिए मैक्सिमम इस वीडियो को और लाइक करिए। उन्नति कॉम्पिटिशन्स क्लासेस की ओर से मैं था आपके साथ उमेश पंत। जल्द लेके आऊँगा एक नई वीडियो के जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट एमपी होंगी। एक ज़रूरी बात और, शेयर उसी के साथ करना जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। सबके साथ शेयर करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वीडियो उसी के लिए यूज़फुल होगी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा। अगर आपका फ्रेंड कोई अगर सीए कर रहा है या कोई एमबीबीएस की डिग्री कर रहा है या कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो किस काम की। शेयर उसी के साथ करना जो कंपटीशन का एस्पिरेंट हो, चाहे वो एलडीसी की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की तैयारी कर रहा हो, सीजीएल की तैयारी कर रहा हो, रेलवे की तैयारी कर रहा हो, बैंक पीओ की तैयारी कर रहा हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो या ग्रेड डी की तैयारी कर रहा हो, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। क्वासीओरकर और कौन सा था, सेकेंड रोग और था, मरास्मस। हाँ, मरास्मस रोग था। वो जो होता है रोग, वो किस विटामिन की कमी से होता है, ये क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिएगा। और इसके मैंने जितने भी वीडियो अपलोड करे हैं मैंने आपको आज कराया था सेट 40 to 50। देखिए इसके जो प्रीवियस मैंने 30 सेट अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पर, तो आप सोचिए 30 × 1 में 15 हैं, तो कितने क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास में हो गया।
15 या 45, तो 450 क्वेश्चंस उन सब वीडियो में से आपको मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एग्जाम में एसएससी के। तो उन सब वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। अगर आप पूरी बुक लूसेंट नहीं पढ़ सकते हैं और लूसेंट बहुत मोटी है या ऑडियो फाइल हम कैसे सुने हमें याद नहीं होता है, तो आप इतना कर लीजिए, घटना चक्र की जो मैं जो भी सीरीज आपको दे रहा हूँ वो आप ध्यान से उसको सुनिए, उसके नोट्स बनाइए, एक वीडियो को 3 से 4 बार वॉच करिए। और इसके साथ मैंने एक वन लाइनर की जीके की किताब और अपलोड करी है, अपलोड मैं उसको कर रहा हूँ, वर्किंग में है, 4-5 से भी ज़्यादा उसके भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। उसका है रुक्मणी पब्लिकेशंस सार संग्रह, वो भी आप देख लीजिएगा, रुक्मणी पब्लिकेशंस सार संग्रह, ठीक है, रुक्मणी पब्लिकेशंस और सार संग्रह दोनों एक ही नाम है, मैंने एक ही मैंने उसका टाइटल दिया है, सार संग्रह किताब का नाम है उसका। मैंने फ्रेम भी वीडियो के वॉल पे लगा के रखा है, ठीक है। इस तरह से आप 450 क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पे हो गया। और अभी कुछ क्वेश्चंस हमने करे तो इन सबको आप देखिए एग्ज़ाम के लिए। मेरी ओर से आपको ऑल द बेस्ट, एग्जाम में अच्छा करना, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो भी पढ़ो पूरे ध्यान से पढ़ना, जो भी पढ़ो उसके साथ फेथ बना के चलना कि हाँ मैंने आज पढ़ा, मैंने बहुत अच्छा पढ़ा। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझ के पढ़ना तो देखिएगा आपके पढ़ाई में काफ़ी रौनक आ जाएगी, ठीक है। चलिए लेता हूँ अलविदा, इसी के साथ धन्यवाद। मेरे वीडियो को आप लाइक करना ना भूलिएगा, जो लोग सब पहले फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो। अगर आप सीए के स्टूडेंट हैं, अगर एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, या फिर आप कोई अदर कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप कंपटीशन के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो ये चैनल पूरा आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। चलिए धन्यवाद।